हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट 160 सेगमेंट बाइक के बारे में, जो कि है हीरो की एक्सट्रीम 160R, जो कि सिल्वर और वाइट में प्रेजेंट है, BS6 मॉडल है। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशली थैंक यू टू तुलिका शोरूम फॉर हेल्पिंग मी आउट। उन्होंने मुझे मौका दिया इस गाड़ी की रिव्यू बनाने के लिए। सो ये जो शोरूम है, ये पचम्बा गिरिडीह में स्थित है। आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं। शोरूम बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको हर एक गाड़ी जो आप चाहते हैं वो मिल जाएंगी, जल्दी डिलीवरी विथ EMI का भी ऑप्शन है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखें आप। वीडियो में आपको EMI से लेकर गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे और इसका एक्स शोरूम प्राइस भी बताएंगे आपको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रही वो एक्सट्रीम 160R। जैसा कि आप इसका लुक देख सकते हैं, फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आ रहा है। सो सबसे पहले मैं आपको 360 इसका एक राउंड दिखा देता हूँ बाइक का, जो आप देख सकेंगे कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा साइड फर्स्ट फ्रंट इसका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बैक का पिलियन सीट ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, पीछे के राइडर को बहुत ही कम्फर्टेबल फील होगा अगर वो बैठेगा तो। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाड़ी देखने से। सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको LED मिल जाता है, इसका जो लैंप है इसमें आपको इंडिकेटर्स जो हैं वो भी LED में प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ये कभी इसमें टूटने का बहुत कम चांस रहेगा। और आप देख सकते हैं इसका DRL बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने से। इसमें आपको जो सस्पेंशन मिल जाता है वो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि आपको इंडियन रोड में बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें आपको ABS मिल जाता है, ये सिंगल चैनल ABS में प्रेजेंट है। और इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक डबल डिस्क एक सिंगल डिस्क का, जो हमारे साथ अभी जो बाइक है वो डबल डिस्क में प्रेजेंट है। इसकी टायर के बारे में बात करें तो इसमें आपको 100x80 का टायर मिल जाता है, 17 इंच की अलॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS का सेंसर होगा। यहाँ पर आपको दो रिफ्लेक्टर्स मिल जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो अब बात करते हैं बैक के बारे में। तो बैक में जो टायर है वो आपको मिल जाता है 130x70 का, और इसमें भी 17 इंच की अलॉय है। यहाँ पर आप डिस्क देख सकते हैं। और इसका जो बैक का सस्पेंशन है ये है मोनोसोकर सस्पेंशन, जो कि आपको वाइट में दिख रहा होगा। यहाँ पर 160R का बैजिंग है। इसका बैक लाइट अगर आप देखें तो ये टेल लाइट, ये थोड़ा सा स्मोकी लुक आ रहा है, इसमें ब्लैक का थोड़ा सा फिनिशिंग किया हुआ है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर्स मिल जा रहा है, इंडिकेटर्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वाले हैं, टूटने का कम चांस रहेगा। सो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो इसमें आपको 163cc का इंजन मिल जाता है। ये BS6 है, तो इसमें आपको कैटलिटिक कन्वर्टर दिख रहा होगा, वहाँ पर लगा हुआ है कैटलिटिक कन्वर्टर। ये एयर कूल्ड और सिंगल सिलेंडर में प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम PS की बात करें तो 15.3 PS मिल जाता है 8500 RPM में, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 14 Nm टॉर्क मिल जाता है 6500 RPM में। और आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग पूरा ब्लैक में है, यहाँ पर हीरो का बैजिंग किया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग है बाइक। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रीम का स्टिकरिंग है, हीरो का स्टिकरिंग है। सो अब बात करते हैं इसके LED डिस्प्ले के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये LED डिस्प्ले है, इसमें आपको स्पीड मीटर, ट्रिप मीटर, न्यूट्रल का साइन, ABS का साइन, और आपको डिजिटल टाइम मिल जाता है, फ्यूल का मिल जाता है, RPM का।
सो इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आप इसे धूप में राइड करेंगे तो इसमें जो रिफ्लेक्शन आएगा उससे ये विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएंगी आपकी, जब आप आराम से धूप में राइड करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सा केस होता है, जैसे आपको पता होगा कि नेगेटिव मीटर्स भी आते हैं उसमें बहुत सी दिक्कतें होती है, पर ऐसा इसमें नहीं है, बहुत ही कम्फर्टेबल होगा आपको विजिबिलिटी इसमें। इसमें आपको हाई बीम, लो बीम, और ये आपका रहा मेन हज़ार लाइट का ऑप्शन, जो कि चारों इंडिकेटर साथ में जलते हैं इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट टू लेफ्ट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हॉर्न मिल जाता है, यहाँ आपका स्विच है, किल स्विच प्लस स्टार्टर दोनों एक साथ दिया हुआ है। मैं आपको कुछ ही देर में एग्जॉस्ट का भी साउंड सुनाऊंगा। और इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो है 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि अच्छा है। सो गाइज, अब सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट का साउंड आप सबको। बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही क्लीन आवाज़ है एग्जॉस्ट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको किक भी मिल जाता है, एक इसका प्लस पॉइंट है। इसमें कंपनी ने स्पेशली ध्यान दिया है सेफ्टी, जैसा कि साइड स्टैंड अगर लगा रहेगा और आपका गाड़ी अगर गियर में रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये ऑटो कट हो जाएगा गाड़ी से। लुक वाइज बाइक बहुत ही अमेजिंग दिखती है। इसका सीट भी आप देख सकते हैं, सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, पिलियन सीट भी बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, अगर कोई पीछे राइड करेगा तो उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। सो ऑल ओवर बाइक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने से। सो गाइज, अब बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। सो ये दो वेरिएंट में प्रेजेंट है, फर्स्ट सिंगल डिस्क और दूसरा डबल डिस्क। जो डबल डिस्क का प्राइस है वो है 110,400 रुपये जो एक्स शोरूम प्राइस है, और सिंगल डिस्क यही 5,000 रुपये कुछ आगे पीछे कम है। आप आके शोरूम में विज़िट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ईएमआई के बारे में। तो जैसा कि आपको फर्स्ट डाउन पेमेंट जो करना होगा वो 30,000 रुपये डाउन पेमेंट में आप 2 साल के लिए 5,200 रुपये पर मंथ आप दे सकते हैं 2 साल के लिए, और 3 साल के लिए आपको देना होगा 3,900। ये हमारा ईएमआई का यहाँ का कॉस्ट है, आप आके यहाँ पर विज़िट करके और अच्छे से पता कर सकते हैं। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा और स्क्रीन में मेरा आईडी शो कर रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।